आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब में। और सुबह सुबह मैं एक ऐसी बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ जो आपको सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। आप सभी को बता दूँ कि अभी तक तो पवन सिंह पूरी तरह से चुप थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद उन्हें भी शायद बोलना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बस आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पवन सिंह को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए नीचे ज़रूर कुछ कमेंट करें। चलिए बात करते हैं खबर पर। खबर जहाँ तक यह आ रही थी कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के लिए गाना गाया है, जिसको पवन सिंह ने सबसे पहले गाना गाया था कि जिसको फंसाती है, वह उसी गाने के बाद, जी हाँ दोस्तों, उसी गाने के बाद पवन सिंह के जवाब देने के लिए अक्षरा सिंह का गाना आया कि जिसको चाटता है उसी को काटता है। इन सब जवाबी मामलों के बाद से इस समय फैंस इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं कि अक्षरा सिंह को खुलेआम दे रहे हैं धमकी। आप सभी को बता दूं कि पवन सिंह ने अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अगर एक ऐसा कमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि अगर हम अक्षरा सिंह के रिश्ते को गिनाने लगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री कम पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही कमेंट थी। आप सभी को बता दूँ कि सबसे पहला नाम अक्षरा सिंह का किसी के साथ जुड़ा है तो वह है खेसारी लाल, उसके बाद पवन सिंह, उसके बाद रितेश पांडे और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कलाकार हैं जिनके साथ अक्षरा सिंह ने काम किया है और उनके साथ उनका नाम जुड़ा। लेकिन इस समय अक्षरा सिंह के जो करंट बॉयफ्रेंड है, जो पवन सिंह के फैंस कह रहे हैं, वह है विशाल राजपूत, जिनके साथ अक्षरा सिंह कई गाने लेकर आ रही हैं और उनकी दोस्ती को भी काफ़ी लोग अच्छा, उनकी जोड़ी भी सुपर हिट है। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह के फैंस पूरी तरह से अक्षरा सिंह पर धावा बोल दिए। वो कह रहे हैं कि पहले अपने रिश्ते सुधारो, हर बार हर खेल खेलती हो। बीच में एक खबर आई थी कि रितेश पांडे पे अक्षरा सिंह ने केस कर दिया है, पवन सिंह पे अक्षरा सिंह ने केस कर दिया है, तो जिसके साथ अक्षरा सिंह काम करती हैं उसी पर वो केस कर देती है। जी हाँ, यही कहना था सबका, लेकिन क्या है सच्चाई, अभी तक अक्षरा सिंह ने इस पर कुछ बातें नहीं कही हैं। इस समय अक्षरा सिंह की माँ उनके सपोर्ट में खड़ी है। अब यह देखना होगा कि पवन सिंह के सपोर्ट में कौन खड़ा होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना।